All right, friends. So today we are starting a topic, and name of the topic is a material. Okay. So this is your in serial. This is your chapter number one and material. Basic concept में भी अगर आप देखेंगे तो कौशिक के अंदर पहला पार्ट आपका क्या आता है, इज ए मेटेरियल ओनली. ओके. सो सबसे पहले आता है कि वॉट डू मीन बाई मेटेरियल कॉस्ट. इसके लिए फ्रेंड्स आप जरा सोल्यूशन बुक का, दिस इज सोल्यूशन बुक का आप जरा प्लीज ओपन करिए पेज नंबर 1.1. सॉल्यूशन बुक का आप पेज करिए ओपन. सॉल्यूशन बुक पर मैंने आपको थ्योरी दिया है, सॉल्यूशन बुक. एंड सॉल्यूशन बुक में आपका थ्योरी में है पेज नंबर 1.1, उसमें आप जरा देखिए फ्रेंड. सबसे पहले व्हाट यू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट, इट मींस व्हाट यू मीन बाय मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट मींस योर purchase cost plus your ordering cost plus your carrying cost. Purchase cost, ordering cost and carrying cost. Purchase cost means your purchase value plus direct expenses. Now purchase value means your purchase quantity into purchase price. What do you mean by purchase price? Purchase quantity means your consumption of material plus closing stock of material minus opening stock of material. Okay. Now what do you mean by consumption? Consumption means your production into material required per unit. What do you mean by production? Production means your sales plus closing stock of finished goods minus opening stock of finished goods. पूरा ध्यान से दीजिए. मेटेरियल कॉस्ट, व्हाट डू मीन बाय मेटेरियल कॉस्ट फ्रेंड्स, योर परचेज कॉस्ट प्लस अगर आपने कुछ भी मेटेरियल को खरीदने के लिए या इनकरिंग एनी ऑर्डरिंग कॉस्ट वो आपका आ जाएगा. देन योर कैरिंग कॉस्ट, राइट. कैरिंग कॉस्ट में देर आर टू. व्हेनेवर यू आर परचेजिंग द मटेरियल, वी विल डिस्कस इन डिटेल. व्हेनेवर वी आर परचेजिंग द मटेरियल, देर आर टू टाइप्स ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू कैरी द मटेरियल. कैरिंग द मटेरियल में एक आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक आपको लगेगा स्टोरेज कॉस्ट. वो बाद में अपन डिस्कस कर लेते हैं. ओके. तीनों के टोटल को हम बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट. नाउ व्हाट डू मीन बाय परचेज कॉस्ट, मींस योर परचेज वैल्यू प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मींस वेंडर टू स्टोर्स तक लाने में जो भी आपको एक्सपेंसेस लगेंगे, वेंडर टू स्टोर्स तक लाने में आपका, जैसे सपोज फ्रेट है. ओके. आपका इंश्योरेंस है, आपकी टैक्स है, आपका कस्टम ड्यूटी है, प्लस आपका कैरिज इनवर्ड है. ये सब मिला के आपका, ये मैंने आप सॉल्यूशन बुक में आपको सब दे रखा है. फ्रेट इंश्योरेंस, टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कैरिज इनवर्ड एक्सेट्रा, वो आपके किस में चले जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस. नाउ व्हाट डू मीन बाय परचेज वैल्यू, परचेज क्वांटिटी इंटू परचेज प्राइस. व्हाट डू मीन बाय परचेज क्वांटिटी, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस
ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. व्हाट यू मीन बाय कंजम्पशन? कंजम्पशन मींस योर प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट. व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्शन? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. तो कहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं? हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल्स. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज ए प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इनटू मटेरियल इज कंजम्पशन. कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज ए परचेज. इनटू परचेज प्राइस इज ए परचेज वैल्यू. परचेज वैल्यू के एसआर क्यू एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपको क्या मिलेगा? परचेज कॉस्ट. एड ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड देन यू विल गेट द पर मटेरियल कॉस्ट. कहां से स्टार्ट करना है? ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेल्स. सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज ए प्रोडक्शन. प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल इज कंजम्पशन. प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज ए परचेज. इनटू परचेज प्राइस इज ए परचेज वैल्यू. एट डायरेक्ट एक्सपेंसेस परचेज कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट. ओके, तो नाउ इसी को अपन एक बार रिवाइज करते हैं. यू जस्ट रेफर योर क्वेश्चन नंबर वन एंड पेज नंबर वन. यू रेफर योर क्वेश्चन नंबर वन एंड पेज नंबर वन ऑन फ्रॉम क्वेश्चन बुक. एंड क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 1.1 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक. क्वेश्चन बुक क्या बोल रहा है फ्रेंड्स अपने से? द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एनुअल बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. द फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू एनुअल बजट फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. क्वार्टर 1, 2, 3, 4 वर्किंग डेज 65, 60, 55, 60 प्रोडक्शन इन यूनिट्स 100, 110, 120, 105 रॉ मटेरियल परचेज इज परसेंटेज बाय वेट ऑफ एनुअल 30%, 50%, 20% बजटेड परचेज प्राइस इज 1, 1.05, 1.125 Quantity of material per unit of production is 2 kg. Budgeted opening stock 4000. The cost is 4000. Budgeted closing stock of raw material is 2000. Issue are priced of FIFO. Calculate the following budgeted figures. Quarterly and annual purchases of raw material by weight and value. Closing quarterly stock by weight and value. Quarterly and annual purchases. Now, what do you mean by purchases? So, this is your friends. This is your note number one. Note number one is consumption plus closing stock minus opening stock equal to purchases. This is in kg. Now, closing stock you have friends, budgeted closing stock is 2000 kg. Alright. And budgeted opening stock you have 4000 kg. Right. Lekin you don't have the consumption. So, consumption hum log nikal lenge. एंड कंजम्पशन के लिए यू रिफर फ्रेंड्स योर नोट नंबर टू. तो आपका आ जाएगा क्या बनाया फ्रेंड्स मैंने पहला. व्हाट डू मीन बाय परचेज? मैंने आपको क्या बताया था? कंजम्पशन. व्हाट डू मीन बाय परचेज? देखो कंजम्पशन ऑफ मटेरियल. कंजम्पशन ऑफ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. व्हाट इज द कंजम्पशन? Consumption is, we have to find out, closing stock is given 2000 kg, opening stock is given in question 4000, baki ka add less karne ke baad aapka kya aa jayega, is a purchases, theek hai. Now you go to next, is a consumption, it means note number 2, is a consumption. It means
दिस इज योर क्वार्टर वन क्वार्टर, देन यू टेक प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर डे इंटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इंटू 2 kg इक्वल टू योर कंजम्पशन. कंजम्पशन इन केजी, इट मीन्स फर्स्ट इज योर क्वार्टर, देन प्रोडक्शन पर डे, नंबर ऑफ डेज 1 unit, सो यू विल गेट द टोटल प्रोडक्शन, 1 unit इज इक्वल 2 kg, इट मीन्स दिस इज योर डेज. इट मीन्स अब आप आ जाइए नंबर वन, क्वार्टर वन, क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर. नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इज प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन पर डे, प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर वर्किंग डे इज 100, इज 110, इज 120, इज 105. इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज 65, नंबर ऑफ डेज 60, नंबर ऑफ डेज 55, नंबर ऑफ डेज 60, इनटू ये आपका टोटल हो जाएगा, इनटू 1 unit इज रिक्वायर्ड 2 kg, 2 kg, 2 kg एंड 2 kg. दिस विल बी योर consumption. It means 100 days into 600 is a production into 65 days, 6500 units into 2 kg is 13,000 kg. 110 into 60 into 2 is 13,200. 120 into 55 into 2, 13,200. 105 into 60 into 2 is 12,600. Say yes, no. It means 13,200 plus 12,600 is 52,000. This will be your consumption. से या सुनो फ्रेंड्स, पहला फर्स्ट क्वार्टर 100 यूनिट्स पर डे मल्टीप्लाई बाय 65 डेज, तो आपका टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 6500 यूनिट्स. एक यूनिट को बनाने में 2 केजी लगेगा, आपका टोटल आ जाएगा 13,000 kg, आपका टोटल क्या आ जाएगा 13,000 kg. सेकंड, इट मींस 110 60 डेज 2 केजी 13,200. 120 इज ए प्रोडक्शन 55 डेज, तो 120 इंटू 55 करेंगे तो टोटल प्रोडक्शन आएगा इंटू 2 केजी 13,200. फोर्थ 105 60 एंड दिस 12,000 52,000. सही है सुनो, सो दिस विल बी योर 52,000. यू रेफर नोट नंबर टू. ओके, इट मीन्स 52,000 प्लस 2,000 माइनस 4,000 विल बी 50,000 kg. आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 50,000 kg आपका हो जाएगा परचेज. कंजम्पशन है आपके पास, हम लोगों ने निकाल लिया, और इज अ कंजम्पशन 52, एट क्लोजिंग स्टॉक 2,000 लेस ओपनिंग स्टॉक 4,000, आपका परचेज हो जाएगा 50,000. हाउ यू आर गोइंग टू परचेज दिस, क्वार्टरली एंड एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बाई वेट एंड वैल्यू. कैसे परचेज करेंगे फ्रेंड्स, यू परचेज 30% इन द फर्स्ट क्वार्टर एट द रेट ऑफ 1, क्वेश्चन में दे रखा है, 50% इन द सेकेंड क्वार्टर एट द रेट ऑफ 1.05, 20% इन द थर्ड क्वार्टर एट द रेट ऑफ 1.125. इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर ए. दिस इज योर फाइनल आंसर ए. इट मीन्स
स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग एनुअल परचेजेस एनुअल परचेजेस स्टेटमेंट शोइंग एनुअल परचेजेस राइट. दिस इज योर क्वार्टर वन क्वार्टर टू एंड क्वार्टर थ्री. Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3. It means what is your purchases? Annual purchases is 50,000. It means this is your purchase quantity into rate equal to purchase value, purchase value in rupees. It means 50,000 into 30% is 15,000 kg. 50,000 into second quarter mein 50% will be 25 kg, and then 50,000 into 20% is 10,000 kg into what is the rate per kg? The rate per kg is 1.05 and 1.125. The total will be your 15,000 25,000 into 1.05 26,250 and 10,000 into 1.125 is 11,250. It means 11,250 will be 52,500. आपका जो परचेज है वो क्या हो जाएगा 52,500. सही है सुनो. आपको क्या परचेज करना है फ्रेंड्स बोलो. टोटल आपका परचेज क्या था 50,000 हम लोगों ने निकाला है. टोटल परचेज इज 50,000. ये टोटल परचेज आपका 50,000 नोट नंबर वन में. ये कैसे आया? कंजम्पशन रिफर्ड नोट नंबर टू. वो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों स्टॉक आपको क्या थे? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये हम लोगों ने निकाल दिया. ये कैसे निकाला? प्रोडक्शन पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज. तो टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा एक यूनिट को बनाने में 2 केजी, तो हमारा ये कंजम्पशन आ जाएगा. सही है सुनो. तो टोटल हमारा हो जाएगा 52,500. आपका टोटल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 52,500. अब क्या बोल रहा है? क्लोजिंग क्वार्टरली स्टॉक बाई वेट एंड वैल्यू. वी आर फॉलोइंग इशूड आर प्राइस एट फीफो. इफ द फीफो इज द मेथड, कैलकुलेट द फॉलोइंग बजटेड फिगर. क्लोजिंग स्टॉक क्वार्टरली बाई वेट एंड वैल्यू. यू रिमेंबर सीपीटी में अपन करते थे फीफो लिफो वेटेड एवरेज. कैसे करेंगे? इट मीन्स दिस इज योर आंसर नंबर बी. स्टेटमेंट शोइंग statement showing stores ledger. Statement showing stores ledger. Okay friends, this is your quarter purchases issued. Quarter purchases issued and closing stock.
क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, और राइट फ्रेंड्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट से ऐसा हो गया। फर्स्ट क्वार्टर में आपने क्या परचेज किया है? यू आर परचेजिंग 15,000 एट द रेट ऑफ रुपीज वन, 15,000 एट द रेट ऑफ वन, Now friends, what is your consumption? Consumption is 13,000. And which method we are following? We are following FIFO. तो FIFO में पहले opening stock चला जाएगा. What is your opening stock? इज है 4,000 kg. Okay? तो पहले अपना चला जाएगा 4,000. And 4,000 का what is the value is given? 4,000. And कभी भी 4,000 divided by 4,000 रहेगा तो always 1. You want to write a note for that? 4,000 divided by 4,000 रहेगा तो always 1. नहीं, total आपको कितना issue करना है friends? Total आपको issue करना है 13. 13 में से 4 चला गया, आपका क्या बचेगा? 9 यहाँ से issue कर देंगे into 1, 9. What is the closing stock left? 6. 6 into 1 is 6,000. 6 into 1 is 6,000. अब सेकेंड आपने क्या परचेज किया? 25 एट द रेट ऑफ 1.05. क्या परचेज किया आपने बोलो? क्या परचेज किया आपने बोलो? आपने परचेज किया 25 एट द रेट ऑफ 1.05. 25,000 एट द रेट ऑफ 1.05 आपको वैल्यू मिलेगा. 25,000 at the rate of 1.05 is 26,250. Okay. अब आपको इश्यू कितना कर रहे हैं? देखो जरा, इश्यू कितना करना है? 13,200. कंजम्पशन है ना आपका 13,200. कैसे करेंगे? अब 6,000 तो ओल्ड वाला चला जाएगा. 6,000, 13,200 less 6,000 is 7,200 at the rate of 1, this is 6,000 and 25 minus 7,200 आपका क्या आएगा? 17,800 into 1.05, 7,200 into 1.05 is 7,560 into 1.05, 17,800 into 1.05 is 18,690. Then you go to third quarter. Third quarter में आपने कितना purchase किया है? ₹10,000 at the rate of 1.125. 10,000. 1.125. 11,250. आपका कंजम्पशन क्या है? 13,200. आपका कंजम्पशन क्या है? 13,200. पूरा यहीं से चला जाएगा. बिकॉज FIFO इज द मेथड ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. पहले हम स्टॉक में से इशू करेंगे, फिर हम लेटेस्ट परचेज से इशू करेंगे. याद है ना? रिमेम्बर, इट मीन्स 1.05. 13,200 into 1.05 विल बी योर 13,860. आपके पास क्या बैलेंस बचा? इट मींस 17,800 माइनस 13,200 विल बी 4,600. 4,600 यहां से बच जाएगा एट द रेट ऑफ 1.05. 4,600 इंटू 1.05 विल बी 4,830. आपका बैलेंस क्या बचेगा? इट मींस 10,000 एज इट इज आपको आ जाएगा.
10,000, 1.125 is 11,250. फोर्थ क्वार्टर परचेजेस कंजम्पशन क्या है आपका, कंजम्पशन है 12,600. पहले क्या जाएगा, 4600 एट द रेट ऑफ 1.05. 4600 एट द रेट ऑफ 1.05 इज 4830. ओके, एंड देन टोटल इश्यू करना है अपने को, टोटल इश्यू करना है इज, टोटल इश्यू इज 12600. 12600 माइनस 4600 इज 8000. 8000 इंटू 1.125, 8000 इंटू 1.125 इज 8000 इंटू 1. इज 9000. बैलेंस 2000, 1.125. 2000 इज 1.125 इज 225. ये आपका हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक. सही है सर, फ्रेंड्स परफेक्टली क्लियर होना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बताइए. राइट फ्रेंड्स, क्लियर. नाउ सिमिलर टाइप आप देखिए जरा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर 1 फ्रॉम क्वेश्चन बुक एंड क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1.2 फ्रॉम सॉल्यूशन बुक. सही है सर, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 1 आपको दे रखा है फ्रॉम क्वेश्चन बुक, आराम से देख लीजिए. ऑयल इंडिया इज ए बल्क डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हाई ऑक्टेन पेट्रोल. ए पीरियोडिक इन्वेंटरी ऑफ द पेट्रोल ऑन हैंड इज टेकन व्हेन द बुक्स आर क्लोज एट द एंड ऑफ ईच मंथ. द फॉलोइंग समरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून 2016 वॉज अवेलेबल. आपके पास सेल्स है, जनरल एडमिन कॉस्ट है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 1,00,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 3, परचेजेस 2,00,000 लीटर्स 2.85, जून में दे लीजिए परचेजेस 1,00,000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 3.03, एंड क्लोजिंग स्टॉक है आपके पास 1,30,000 लीटर्स एज ए क्लोजिंग स्टॉक. कंप्यूट द फॉलोइंग डाटा बाय द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट विथ इन एवरेज एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इन्वेंट्री कॉस्टिंग. वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन जून 30th, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर जून एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर जून. सही है सर, ये आपका टोटल. ओके, आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये देखना है, दिस इज योर नोट नंबर 1. नोट नंबर 1 इट मींस आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक इन लीटर्स है आपको, परचेजेस देखना है और आपका क्लोजिंग स्टॉक है. व्हाट इज द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इज 1,00,000 लीटर्स. What is the purchases? Purchases आपने क्या किया है फ्रेंड्स, आपने परचेज किया है 2,00,000 प्लस 1,00,000, 2,00,000 प्लस 1,00,000 इज 3,00,000 लीटर्स. लेस क्लोजिंग स्टॉक, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक विल बी 1,30,000. 1,30,000 इट मीन्स 100 प्लस 300 लेस 130 इज 2,70,000. ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सेल्स. ये आपका ओपनिंग स्टॉक है बराबर 1,00,000, ये आपने परचेज किया 3,00,000, टोटल हो गया 4,00,000. उसमें से आपके पास क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,30,000. क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है जून में 30,000. बाकी का इसका मतलब क्या हो गया, आपने सेल किया होगा 2,70,000.
ये आपको दे रखा है मैंने सॉल्यूशन, इट मीन्स पेज नंबर 1.2 फ्रॉम सॉल्यूशन को देखिए नोट, दिस इज योर नोट नंबर 1 सही आंसर नोट, योर सेल्स 2,70,000। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग, पहला वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन जून 30th, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन जून 30th, ओके कैसे करेंगे फ्रेंड्स, क्या क्या पूछा है, पहला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फिर मैंने लीफो लिया है और फिर अपन ने लास्ट में ले लिया है वेटेड एवरेज। इन लोगों ने वैसे पूछा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वेटेड एवरेज एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले मैंने क्या लिया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट देन लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड देन वेटेड एवरेज, ओके आप जरा देखिए, इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट showing stores ledger, statement showing stores ledger, it means your purchases, your issued and closing stock, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount, first is your, we are following FIFO is the method, पहला मेथड फर्स्ट इज ए फीफो मेथड, व्हाट योर फर्स्ट, फर्स्ट इज योर फीफो मेथड, ओके फीफो में फर्स्ट यू हैव परचेजेस राइट, व्हाट इज द परचेज आपका, क्या क्या दे रखा है परचेज में, आपको परचेज में दे रखा है आपने परचेज किया है ओपनिंग स्टॉक यू हैव 1,00,000 liters, देन यू परचेजेस 2,00,000 liters, purchases 2,00,000 liters at the rate of 2.85 means 2 lakhs into 2.85, this comes to 5,70,000, 2,00,000 liters at the rate of, and then you purchases 1 lakh at the rate of 3.03, total 3,03,057. अब आउट ऑफ दिस व्हाट इज योर इशू, इशू आपको करना पड़ेगा 270 एंड विच मेथड यू आर फॉलोइंग, फीफो, फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले ओपनिंग स्टॉक से जाएगा आपका 1 lakh, ओपनिंग स्टॉक का आपका क्या रेट था 1 lakh इंटू 3 इज 3 lakhs, ओके देन यू हैव टू परचेज 170 आपको इशू करना पड़ेगा फ्रॉम 2 lakhs, 2.85 इट मींस 1,70,000 इंटू 2.85 इज 484,500, व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट 30,000 यहां से बचेगा एंड 1 lakh ये एज इट इज रह जाएगा, 30,000 into 2.85 and this is 3.03, it means 3,03,000, 30,000 into 2.85 is 85,500, say yes,
85 500। बोलो, परफेक्टली क्लियर हो गया आपका, क्या हो जाएगा बोलो। देन यू गो टू सेम में, यू कैन गो बाई लीफो मेथड। व्हाट डू यू मीन बाई लीफो? लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, तो 2 लाख आपने परचेज किया एट द रेट ऑफ 2.85, वैल्यू आया आपका 570, परचेज तो सेम ही रहेगा। 1 लाख आपने परचेज किया सेकेंड एट द रेट ऑफ 3.03, 3,03,000। अब आपको इशू करना है 270, तो पहले ये जाएगा, पहले 1 लाख जाएगा बिकॉज वी आर फॉलोइंग लीफो। 3.03, 3,03,000, फिर आपका जाएगा 170 इंटू 2.85। 170 इंटू 2.85 इज 484,500। इट मीन्स 1 लाख आपके पास ऑलरेडी पहले से था ओपनिंग स्टॉक, उसका वैल्यू 3 लाख रुपीज, एंड बाकी का 30,000 और आपका हो गया एट द रेट ऑफ 2.85। इट मीन्स 30,000 इंटू 2.85 इज 85,500। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड हो गया। सुन, परफेक्टली क्लियर होंगे बोलो, प्रॉपर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन। 85,500। ओके, नाउ यू गो टू नेक्स्ट, इज ए वेटेड एवरेज। लास्ट आपका है वेटेड एवरेज। एक आपका फीफो हो गया, दूसरा आपका लीफो हो गया, एंड नेक्स्ट यू गो टू वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। हम लोगों ने परचेज किया 2 लैक्स, 2 लैक्स परचेज किया है फ्रेंड्स एट द रेट ऑफ 2.85। इट मीन्स 2 लैक्स इंटू 2.85 इज 5,70,000। दूसरा परचेज किया है 1 लैक एट द रेट ऑफ 3.03, 3,03,000। अब इशू करेंगे 270। अब 270 का रेट कैसे निकालेंगे? 270 का रेट कैसे निकालेंगे अपन? 270 का रेट कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट। इट मींस दिस इज योर नोट नंबर 2 इज वेटेड एवरेज कॉस्ट। इट मींस योर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल वेट। 1 लैक इंटू 3 ओपनिंग स्टॉक, 2 लैक इंटू 2.85 प्लस 1 लैक
इंटू 3.03 डिवाइडेड बाई 1 लाख क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 2 लाख क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 1 लाख क्वांटिटी, इट मीन्स आपका वेटेड एवरेज रेट आएगा 2.9325। यू टेक दिस, यू टेक, इट मीन्स इफ यू टेक टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपका ये ओपनिंग स्टॉक, ये परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, तो आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट आपका आ जाएगा, इट मीन्स आपका टोटल 1 लाख, 2 लाख, 3 प्लस 1 4 लाख, ये क्वांटिटी आपका हो गया फ्रेंड्स 4 लाख एंड परचेज वैल्यू इज 2 लाख इंटू 2.85 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख 3,000 इज 11 लाख 73, 11 लाख 73 डिवाइडेड बाय 4 लाख इज 2.9325, 2.9325, 2 लाख 70 इंटू 2.9325 इज 791775। ओके, नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग स्टॉक लेफ्ट इज 1,30,000 इंटू 2.9325 इंटू 1,30,000 इज 381225। सही आंसर होगा 381225। ये आपका परचेजेस, ये आपका इशू, ये आपका कौन सा मेथड हो रहा है वेटेड एवरेज। ये आपके क्या थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो ओपनिंग स्टॉक था वो चला जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले जो लेटेस्ट परचेज है वो चला जाएगा। सही है सुनो फ्रेंड्स, तो ये आपका क्या हो गया आंसर नंबर वन। आंसर नंबर वन क्या पूछा है फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन जून 30th, अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री राइट फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया yes। अब अपने से क्या पूछ रहे फ्रेंड्स, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट और लॉस, तो अपन एक ही में बता देते, इट मीन दिस इज योर आंसर नंबर बी एंड सी, आंसर नंबर बी एंड सी, स्टेटमेंट स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। FIFO, LIFO, weighted average, cost of issue, cost of issue, then you add admin expenses, cost of issue आपका कहां से मिलेगा, refer answer number A, admin expenses आपको क्या आएगा, cost of goods sold, then profit and loss,
ये आपका क्या आ जाएगा, सेल्स। अब एडमिन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25,000, 25,000 एंड 25,000। सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखा है 9,45,000, 9,45, 9,45 एंड 9,45, राइट। अभी आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, इट मीन्स इशू का क्या है, इशू है 791775, 791775, ये क्लियर हुआ कि नहीं? 791 दिस इज योर इशूड, ओके। अब ये आपका इशू है, इट मीन्स 784500, फीफो से आपका रहा है 784500, 784500। अब लीफो से आपका आ रहा है 484500 प्लस 3,03,000 इज 787500, इट मीन्स 787500, 784500 प्लस 25,000 इज 809500 एंड लेस फ्रॉम 9,45,000 इज 135,500, देन 787500 प्लस 25,000 इज 812,500 लेस 945 इज 132,500, 791775 प्लस 25 इज 816775 लेस 9,45,000 इज 12825। सही है सर, ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? पहला हम लोगों ने क्या लिया, कॉस्ट ऑफ इशू, क्या इशू का कॉस्ट है। तो इशू का कॉस्ट कहाँ से निकाला फ्रेंड्स, आंसर नंबर वन, आंसर नंबर वन मीन्स फीफो, फीफो में आपका कॉस्ट ऑफ इशू ये था, लीफो में आपका कॉस्ट ऑफ इशू ये था, राइट, एंड वेटेड एवरेज में आपका कॉस्ट ऑफ इशू ये था, सही है सर। देन एड एडमिन ओवरहेड आपका क्या आएगा, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एड प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल्स, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इज ए बैलेंसिंग फिगर, सही है सर, प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या हो जाएगा, इज ए बैलेंसिंग फिगर, सही है सर, परफेक्टली क्लियर होगा।